हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में मौजूद एक बहुत ही खास शहर ठाणे के बारे में। ये शहर भारत का 15वां मोस्ट पॉपुलर सिटी माना जाता है। इस शहर की जनसंख्या 18,90,000 के आसपास है, जो लगभग 147 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये शहर सपनों के शहर मुंबई के पास में ही पड़ता है, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया का भाग है। भारत के कई शहरों की तरह इस शहर को भी सिटी ऑफ लेक्स के नाम से पुकारा जाता है। वैसे तो ये मुंबई शहर का ही एक सबर्ब है, लेकिन यहाँ के अट्रैक्शंस, यहाँ का कल्चर सब कुछ इसे एक अलग पहचान देता है। मुंबई की सड़कों पर आपको MH04 नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ दिख जाएं, तो समझ जाइए आप महाराष्ट्र के ठाणे शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। 18 लाख की आबादी को इस शहर के क्षेत्रफल के साथ बांटा जाए तो 13,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व बनता है। इस शहर के लोग काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव और खुली सोच के माने जाते हैं, साथ ही साथ लोग यहाँ के कल्चरल वैल्यूज की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। इस शहर की कुल जनसंख्या में से 91% लोग भारत की फॉर्मल एजुकेशन लिए हुए हैं। जनसंख्या में 1000 पुरुषों पर 882 महिलाएं पाई जाती हैं, लेकिन आने वाले समय में ये नंबर और भी बराबरी की तरफ बढ़ता दिख रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये महाराष्ट्र के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ की 70% जनसंख्या मराठी में बात करती है। अब एक स्ट्रेंज चीज आपको ये भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पे कुछ जनसंख्या ऐसी भी है जो पुर्तगाली भाषा का इस्तेमाल करती है। भारत में 5,000 यहूदी रहते हैं, जिनमें से 1800 महाराष्ट्र के इसी ठाणे शहर में रहते हैं। दोस्तों, ये तो हुई इस शहर के बारे में थोड़ी सी फॉर्मल जानकारी। आइए अब बात करते हैं इस शहर के इतिहास और इसके नाम के बारे में। साल 1787 में ठाणे फोर्ट की फाउंडेशन में एक कॉपर प्लेट मिली थी, जिसमें साल 1078 में अधिकेसरा देवराज द्वारा एक लैंड ग्रांट की गई थी, जिसमें श्री स्थानका नाम की एक जगह के बारे में बात की गई है। इसी शहर को आज ठाणे के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इस जगह को मराठा एम्पायर की मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के दौरान इस जगह को ब्रिटिशर्स के द्वारा कब्जा कर लिया गया, बट कुछ ही सालों बाद इसे फिर से अंग्रेजों से छुड़ा लिया गया। इसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ये जगह मराठा एम्पायर के अंडर रही। इसी के साथ आधुनिक इतिहास में ये शहर अपने महत्व को बरकरार रखे हुए है। इसे एक वेल डेवलप्ड शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेल और रोड का बेहतरीन जाल बिछा हुआ है। कुछ ही सालों पहले यहाँ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए गए। इस शहर का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। वर्ष 1853 में इस शहर में एशिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई, जो भारत की भी पहली ट्रेन थी। मुंबई लोकल ट्रेन्स का जाल इस पूरे इलाके को जीवित रखता है। मुंबई में इसका सबसे करीबी एयरपोर्ट मौजूद है, जो यहां से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहां की इकोनॉमी भी काफी डाइवर्सिफाइड है। इस जगह पर आपको इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल और आईटी जैसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम होता दिखेगा। इस शहरी क्षेत्र में कई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स भी देखने को मिलेंगे, जिनमें वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट सबसे बड़ा एरिया है। यहां पर गैलेक्सो स्मिथ, के लाइन, टाटा मोटर्स और वोल्टास जैसी कंपनियों की फैक्ट्रीज मौजूद हैं। इस एरिया में रियल एस्टेट मार्केट भी काफी ज्यादा ग्रोथ में देखा जा सकता है। इस जगह पे कई सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस।